प्रणाम करिए सुपकार, क्योंकि आप देख रहे हैं द लॉलीपॉप। माता पिता सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है और वेदों में भी लिखा है। लेकिन अगर यही माता पिता अपने बच्चों को खाने लगे, अपने बच्चों को मारने लगे तो कैसा होगा, यह सोचकर थोड़ा दर्द सा महसूस हो रहा होगा। लेकिन यह सच है, ऐसा जानवरों में होता है। ऐसे कई जानवर हैं जो अपने बच्चों को या फिर मार देते हैं या फिर खा लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसे जानवरों की जो अपने बच्चों को खा लेते हैं। लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल द लॉलीपॉप को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर एक, सारस पक्षी। सारस पक्षी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली पक्षियों में से एक है। लेकिन हम आपको बता दें, यह क्रूर पक्षी भी है, क्योंकि अपने पैदा किए गए बच्चों को पालती तो है और उनसे प्यार भी करती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इसके पास भोजन खत्म हो जाता है, या कहें भोजन का स्रोत नहीं मिलता है, तो यह अपने बच्चों को ऊंचाइयों से नीचे फेंक देती है। और यह उन्हीं बच्चों को नीचे फेंकती है जो कमजोर होते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसके लिए कमजोर या तंदुरुस्त बच्चे सब एक समान होने चाहिए। लेकिन सारस की निगाहों में ऐसा नहीं है, इसके लिए सारस को क्रूर माँ का दर्जा दिया गया है। तो आगे बढ़ने के साथ साथ आप वीडियो को शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि द लॉलीपॉप पर आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। नंबर दो, पर्च मछली। यह मछली अपने बच्चों का अंडे देती है और अंडे देने के बाद वो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। लेकिन मेल पर्च मछली वहां आकर अपने बच्चों को खा जाता है। कुछ अंडे इधर उधर बिखर जाते हैं, जिनकी वजह से कुछ बच्चे बच जाते हैं, नहीं तो मेल पर्च पूरे के पूरे अंडे खा जाता है, जो यह दर्शाता है कि वह कितना क्रूर है और अपने बच्चों का जरा सा भी परवाह नहीं करता है। ऐसे माता पिता होने से अच्छा है कि माता पिता ना हो। नंबर तीन, पांडा। पांडा दिखने में जितना क्यूट और सुंदर दिखता है, उतना ही वह अपने बच्चों के लिए क्रूर भी है। पांडा के जब दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो यह उनमें से एक बच्चों को चुनता है और एक बच्चे को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। यह दर्शाता है कि वह कितना क्रूर है। लेकिन कहते हैं, चाके राखो साइया, मार सके ना कोई। कहावत यही सच होती है। इंसानों ने इसका एक सलूशन निकाल लिया है। जब पांडा के दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से एक बच्चे को वह अपने पास पालते हैं और एक बच्चे को पांडा के पास छोड़ देते हैं, जिससे दोनों बच्चे जिंदा रहते हैं और बड़े होने पर दोनों को एक साथ कर देते हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल द लॉलीपॉप को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर चार, कोयल। कहते हैं कि कोयल की आवाज बड़ी सुरीली सी होती है। अगर आप बहुत टेंशन में हो या आपका कहीं झगड़ा हुआ हो तो आप कोयल की आवाज सुनकर अपने आप को शांत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यही कोयल अपने बच्चों को बड़ी बेरहमी से किसी और के घोंसले में छोड़कर चली जाती है और कोई इसके बच्चों को पालता है, चाहे कौवा हो या कोई और जानवर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसके बच्चे को कोई और जानवर खा जाता है, या इसके बच्चे को मार सकता है, या इसके बच्चे का अंडा तोड़ सकता है, तो शायद आपको थोड़ा सा कोयल के ऊपर गुस्सा आएगा। लेकिन यह सच है, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। कोयल किसी की भी घोंसले में अपना अंडा दे देती है और अंडे देने के बाद घोंसला छोड़कर चली जाती है। कारण यह है कि कोयल अकेले रहना काफी पसंद करती है। नंबर पांच, भारत में गौरैया की घटती हुई आबादी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसके साथ साथ समस्या यह है कि गौरैया अपने बच्चों का तो ख्याल रखती है, लेकिन दूसरे के बच्चों को मार देती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा वैज्ञानिक के रिसर्च में पता चला है। जिस तरह इंसानों में सौतन को देखकर औरतों को जलन होती है, उसी तरह गौरैया में भी अपने सौतन को देखकर बहुत जलन होती है और उनके बच्चों को मारने की पूरी तरह कोशिश की जाती है, जिससे इनका पति अपने बच्चों को समय दे पाए, जिसके चलते काफी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो कह सकते हैं कि गौरैया एक क्रूर माँ है, जो किसी भी बच्चे की जान लेने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं करती है। जिस तरह लोग कहते हैं कि जानवर ना बनो, तो शायद यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आखिर लोग क्यों कहते हैं, क्यों लोग जानवर और इंसान में इतना डिफरेंस बताते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल द लॉलीपॉप को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए